सुबह से सूबा भर में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत इजलास। सियासी दबाव को काफिर में ना लाया जाए। तजावजात के खिलाफ तमाम इदारे मिलकर काम करने की हिदायत। सूबाई वजीर का कहना है की आइंदा दो हफ्ते हर जिले के इंतजामिया का इम्तहान है। 100 रोजा प्लान में 15 शोबों पर काम कर रहे हैं। जेल रोड क्लीन अप मिशन, अदालती हुक्म पर जेल रोड की सर्विस लेन पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। गाड़ियों को लिफ्टर के जरिए उठाया जाने लगा। 5 बिजली और गैस तो गुलशन अहबाब कच्ची आबादी के रहायशों का फिरोजपुर रोड पर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ने कलमा चौक पर मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी। म्यानी साहब कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा से मुतालिक केस। जस्टिस अली अकबर कुरैशी का बागीची शाह में मौजूद घरों की 2 अक्टूबर तक निशानदही करने का हुक्म। अदालत ने मिसमार अहातों की जगह पर मैयतों की तदफीन की इजाजत दे दी। मियां मीर कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे का केस। कब्रिस्तान की अराजी पर स्कूल 3 घर गैर कानूनी तौर पर तामीर हैं। तहसीलदार ने रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने 2 अक्टूबर को इंतजामिया का रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। वफाकी और सूबाई वज़रा खबरदार, कारकर्दगी की खुफिया चेकिंग होगी। वजीर आजम इमरान खान का जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी कारकर्दगी की माहाना रिपोर्ट बराह रास्त वजीर आजम को देगी। खराब कारकर्दगी पर वज़रा के महकमे तब्दील या वजारत से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज। कौमी और सूबाई मामलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब का कहना है कि अफवाज ने दलेरी और बहादुरी से दहशतगर्दी को शिकस्त दी। अवाम गैर मुल्की जारियत का मुकाबला करने के लिए फौज के शाना बशाना खड़ी है। पंजाब में टीबी के मरीजों का एड टेस्ट करने का मामला। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत तमाम अजला में किट्स भिजवा दी गई। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मिन राशिद की जेर सदारत टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। सगियां पुल के करीब 3 मंजिला इमारत के तहखाने में आग जद की। रेस्क्यू की 6 टीमों ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग बुझाई। कूलिंग का अमल जारी। आग प्लास्टिक के गोदाम में लगी। लाखों रुपए का नुकसान। हेलमेट की कंट्रोल रेट पर फरोख। जीपीओ चौक चेयरिंग क्रॉस और हॉल रोड पर गाड़ियों में हेलमेट फरोख्त होने लगे। शहरी लोकल हेलमेट 500 और चाइना के हेलमेट 1150 रुपए में खरीद सकते हैं। नई मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट भी दिया जाए। कंपनीज को मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट देने का पाबंद बनाने की करारदाद पंजाब असेंबली में जगह। मुनीब सुल्तान चीमा ने करारदाद जमा करवाई। करप्ट लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने का फैसला। डीजी एंटी करप्शन ने 10 काबिल अफसरान की खदमात मांग ली। अफसरान में डीआईजी अब्दुल वहाब, शफकतुल्ला मुश्ताक, इमरान कसूर के नाम शामिल। नैपसिन में तैनात तारिक हमीद भट्ट, काशिफ मसरूर की खदमात भी मांग ली। हुसैन असकर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अफसरान के नाम भेज दिए। नाकिस हिकमत अमली, नून लीग की जानिब से पंजाब असेंबली की रिक्वजिशन जमा कराने में ताखीर। हुकूमत ने पंजाब असेंबली का इजलास 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। नून लीग के 3 अराकीन सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट करने से महरूम रहेंगे। आने वाले दिनों में तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी। आवाम की सहूलत के लिए सरकारी दफातर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। पंजाब को रोल मॉडल बनाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात। नए पाकिस्तान में नया घर बनाना बहुत मुश्किल। सीमेंट की बोरी 20 रुपए मजीद महंगी। सीमेंट बैग की कीमत 580 रुपए से बढ़कर 600 रुपए मुकर्रर। एनए 124 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुहैयुद्दीन देवान की शादबाग आमद। स्कूल की सालाना तकरीब में शिरकत। बच्चों में इनाम तकसीम, टैबलोस पेश किए।
और पोल्ट्री की सनत को फरोग देने की काबिशें। एक्सपो सेंटर में पोल्ट्री एक्सपो का दूसरा रोज, 200 से जायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए, कारोबारी अफराद की गहरी दिलचस्पी।